गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट पिछले लास्ट 3-4 डेज में वीडियो अपलोड नहीं कर सका, एक्चुअली में थोड़ी हेल्थ इशू था, तो उसके बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पर अब हम बात करेंगे स्टूडेंट। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 6 तक बात कर ली है। लास्ट लेक्चर में आपने रिपीट किया होगा कि लास्ट लेक्चर में हम एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। लास्ट डे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट इवैल्यूएट। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है sin π/8, और सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट cos π/8, एंड थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट tan π/8। स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के ये 3 पार्ट है, इनकी वैल्यू बतानी है। स्टूडेंट अभी तक आपने देखा कि sin 0, sin 30, sin 45 इनकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, sin 180, sin 270, sin 360 की वैल्यू कैसे पता करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 360 से बड़ी वैल्यू आ जाए एंगल पे तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर 45 डिग्री के आसपास, जैसे 15 डिग्री हो या फिर 75 डिग्री हो, तो उसको कंपाउंड एंगल से फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं। स्टूडेंट 180 के आसपास हो, जैसे 150 हो, तो उसको हम कैसे लिखते थे, 180 माइनस 30 से हम कन्वर्ट कर लेते थे। तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने देखे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, दैट इज sin π/8 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, cos π/8 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, tan π/8 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो आप क्या है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि sin π/8 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, sin π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम, हमारे पास जितने फॉर्मूले हैं उन्हीं की हेल्प लेनी है। तो स्टूडेंट यहां पर हम, ये क्या है स्टूडेंट, ये रेडियन में है, पाई बाय 8 क्या है रेडियन में है, ये रेडियन में है। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, 22 अंडर हाफ। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कुछ ऐसे होगा ये क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, sin 22 1/2 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बच्चों, तो ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, 22 हाफ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब 2a, ऐसे मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो हम ऐसे एक मल्टीपल एंगल फॉर्मूले को जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, क्या है फॉर्मूला, सिंस हम जानते हैं cos 2a = 1 - sin² a, 1 - 2 sin² a। स्टूडेंट मल्टीपल एंगल का कॉस का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टूडेंट आपने ये देख लिया कि हम सिंपली कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, कंपाउंड एंगल से कैसे फाइंड करते हैं, 360 माइनस कैसे करके फाइंड करते हैं, मल्टीपल एंगल से भी हम फॉर्मूले यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हम यूज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, पुट इस फॉर्मूले में क्या पुट करना है, पुट a = π/8। तो स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा, cos π/4 cos π/4 = 1 - 2 sin² क्या हो जाएगा, π/8। तो स्टूडेंट 2 sin² π/8 को हम इस साइड में लाएंगे तो 2 sin² π/8 = 1 - cos π/4 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 - 1 - 1/√2। ओके स्टूडेंट, तो यहां से क्लियर है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, sin π/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin² π/8 की वैल्यू होगी स्टूडेंट, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1/√2। स्टूडेंट कितना हो जाएगा, √2 - 1/√2। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट अब यहां से हमें देखना है कि sin π/8 sin² जैसे ही रिमूव करेंगे तो sin π/8 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, sin π/8 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आएगी, √2 - 1/√2। ये है वैल्यू स्टूडेंट, ये है sin π/8 की वैल्यू, ये है स्टूडेंट sin π/8 की वैल्यू, ये है। ओके क्लियर है स्टूडेंट, sin π/8 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, sin π/8 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको फाइंड करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, सेकंड पार्ट आपको घर पे ट्राई करना है, cos π/8 को फाइंड करने के लिए, cos π/8 को फाइंड करने के लिए हम cos के दूसरे फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, दैट इज cos 2a =
टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। आप इस फॉर्मूले से ट्राई करो, कॉस पाई बाय एट की वैल्यू भी आ जाएगी, कॉस पाई बाय एट की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके बच्चों, ओके क्लियर है आपको, तो आगे बढ़ते हैं हम। साइन पाई बाय एट की वैल्यू हमें पता चल गई, कॉस पाई बाय एट की आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। थर्ड पार्ट हम देखने जा रहे हैं, ओके बच्चों थर्ड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर टू के, क्वेश्चन नंबर टू के थर्ड पार्ट पर। तो स्टूडेंट आप देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है हमें टेन पाई बाय एट, टेन पाई बाय एट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहां पर भी हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, दैट इज सिंस हम जानते हैं टेन टू ए की वैल्यू कितनी है, टेन टू ए इक्वल टू टू टेन ए, टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। स्टूडेंट यहां पर अभी हम मल्टीपल एंगल टेन के मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहां से, कितना हो जाएगा आप देखो, पुट पुट ए इक्वल टू, ए इक्वल टू पाई बाई एट। तो स्टूडेंट यहां से कितना होगा, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर, टू टेन पाई बाई फोर, टू टेन पाई बाई फोर एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई फोर, पाई बाई एट। स्टूडेंट ए की वैल्यू हमने पाई बाई एट पुट किया है, तो पाई बाई एट, तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1 होगी। तो यहां से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8 इक्वल टू 2 10 पाई बाय 8, 2 10 पाई बाय 8। इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों हमें, देखो आप यहां से कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाय 8 एंड 10 स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 2 10 पाई बाय 8, 2 10 पाई बाय 8 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटरी के फॉर्म में ये दिख रहा है, तो क्वाड्रेटरी के फॉर्म में है स्टूडेंट, तो कैसे करना पड़ेगा हमें, पुट पुट 10 पाई बाय 8 की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं, 10 पाई बाय 8 को y पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से y स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ओके स्टूडेंट तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस, यहां पे कितना आएगा स्टूडेंट, रूट 2। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है, टेन पाई बाई 8 की वैल्यू ये आ रही है, कितनी है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, जो टेन पाई बाई 8 है, सिंस पाई बाई 8 बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 8 जो है स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब 10 पाई बाई 8 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, तो 10 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, रूट 2 माइनस 1 इज द एग्जैक्ट आंसर। स्टूडेंट 10 पाई बाई 8 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये 10 पाई बाई 8 की वैल्यू है। अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में एग्जाम में पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो स्टूडेंट मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। उसके पहले कंपाउंड एंगल से कैसे फाइंड करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पे हमने बात कर ली है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की क्या हेल्प है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी अभी मैंने टाइप टू में क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे करते हैं, अब हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन नंबर टू था ये, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, क्वेश्चन नंबर थ्री पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री पर हम बात करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इवैल्यूएट इवैल्यूएट स्टूडेंट, क्वेश्चन है फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन 18 डिग्री फाइंड करना है, और सेकंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, साइन 36 डिग्री फाइंड करना है, साइन 36 डिग्री, और थर्ड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, साइन 72 डिग्री। ये थ्री क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू बतानी है, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री एंड साइन 72 डिग्री, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखो आप लोग स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, अगर हम इसको ए एज्यूम कर लें, करें कि लेट
लेट ए इक्वल टू 18 डिग्री, ए इक्वल टू 18 डिग्री, तो स्टूडेंट यहां से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लो आप 90 की वैल्यू आ गई। 90 से हमें बड़ी हेल्प मिलने वाली है, ओके बच्चों, 90 से हमें बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देखो इसको हम लिख सकते हैं 2a 90 - 3a, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ गई। साइन 18 डिग्री की जब भी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। अब हमने 2 और 3 के पार्ट में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हम 2 का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जानते हैं, 3 का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जानते हैं, 5 का नहीं जानते हैं, तो 5 को हमने हटा दिया वहां से। ओके स्टूडेंट, तो साइन की वैल्यू पता करनी है तो स्टूडेंट आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, टेकिंग साइन, साइन दोनों साइड में अप्लाई करेंगे तो साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 3a। स्टूडेंट एक बात ध्यान देने की है कि मैं आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम बात समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन रटाने या दौड़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको क्वेश्चन सिखाने आया हूं, तो बेसिक से हम सीखेंगे, क्वेश्चन आप गारंटी सारे निकालोगे आगे। स्टूडेंट मैं अपना टैलेंट नहीं दिखाने, आपके अंदर टैलेंट को ऊपर लाने आया हूं, तो धीरे धीरे एक एक बात हम सीख जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो आप यहां पे कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a, स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, साइन 2a, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हो कितना होगा, कॉस 3a। तो स्टूडेंट साइन 2a और कॉस 3a का फॉर्मूला यहां पे पुट करते हैं हम। देखो आप साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन a कॉस a, एंड स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या है, 4 cos³a - 3 cos a, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? ये फॉर्मूले हैं, मैंने आपको नोट कराया है, लर्न करना आपको फॉर्मूले बिना लर्न किए, स्टूडेंट रट्टा मारना ही मारना आपको, रटना बहुत जरूरी है। आप देखो डे वन से मैं एक ही बात बोल रहा हूं, रटना बहुत जरूरी है, अगर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है तो रटना होगा, ओके ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, आप देखो यहां से कॉस और यहां से कॉस कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin a इक्वल टू कितना होगा, 4 cos² a एंड माइनस 3, ओके स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, 2 sin a एंड 4, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, 1 - sin² a एंड माइनस 3, ओके स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा यहां से, 2 sin a, 2 sin a इक्वल टू 4 - 4 sin² a एंड माइनस 3, ओके बच्चों, ये क्लियर आपको, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो आप लोग क्या है स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड में लाएंगे तो 4 sin² a, और यहां पे कितना है, 2 sin a, 4 - 3 - 1 = 0। स्टूडेंट यहां पर भी अब हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लिया हमने, तो पुट साइन a इक्वल टू वाई। स्टूडेंट साइन a इक्वल टू वाई, तो यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कितना होगा, 4y² प्लस 2yn - 1 = 0। y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू -b + -b² -4ac, स्टूडेंट 4 जा कितना हो गया, 16, एंड डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, ओके स्टूडेंट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 + -2 + - ये क्या होगा स्टूडेंट, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट फाइव। तो स्टूडेंट ये हो गया 2√5 एंड बाय 8, ओके बच्चों, ओके यहां से क्लियर है। तो देखो आप कितनी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, ध्यान से आप देखो कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से हम कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -1 + -√5 एंड बाय 4। स्टूडेंट सिंस यहां पे देखो आप साइन कितना है, ये साइन a की वैल्यू है, दैट मींस साइन a की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है कितना, -1 + -√5 एंड डिवाइडेड बाय 4। लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि a बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 18 डिग्री कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो देयरफोर साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट इज रूट 5 माइनस 1 बाई 4 पॉजिटिव वैल्यू होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी अभी मैंने आपको बात दिखाई कि कैसे करते हैं क्वेश्चन, कैसे करना हमें। स्टूडेंट ऐसे ही मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला साइन 2a के फॉर्मूले, आप देखो साइन 18 का पता चल गया तो साइन 36 का फाइंड करने के लिए हम किसके लिए पहले कॉस 18 फाइंड कर लेंगे 10th की आइडेंटिटी से, फिर वो साइन 18 और कॉस 18 हम साइन 2a के फॉर्मूले में रखेंगे, वहां से वैल्यू आ जाएगी। और साइन 72 का फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 18, वहां से हो जाएगा कॉस 18, वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, एक एक बात अच्छे से समझनी है, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन रिपीट करना होगा। आपने देखा कि पिछले कुछ दो लेक्चर में मैंने एंगल पे बात किया कि एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी की बात किसी को क्लियर हो जाए तो गारंटेड वो आगे की बात इजीली समझ पाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन निकलेंगे, अगर आप भाग दौड़ कर रहे हो चाहे बड़ी बड़ी बुक सॉल्व कर लो आप, उससे क्वेश्चन कभी नहीं निकलते। यही रीजन है कि इतने सारे लोग एंट्रेंस में बैठते हैं लेकिन सेलेक्ट कितने लोग हो पाते हैं जो सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में आसपास में बहुत अच्छा बच्चा होता है, दो साल पढ़ाई करता है लेकिन लास्ट में पता चलता है उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। हो सकता है वो भाग दौड़ में फंस गया था, वो बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करने लगा था, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं हुआ, उसने बहुत क्वेश्चन निकाले लेकिन काम के एक भी क्वेश्चन नहीं निकाले। यही रीजन है स्टूडेंट का, आप देखो सिलेक्शन का रेट कितना कम है। स्टूडेंट मेरा मानना ये कि अगर ठीक तरीके से पढ़ाई की गई हो तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन पॉसिबल है, सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा स्टूडेंट। बिना पढ़े आप देखो कि कोई मैजिक हो जाए, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए वो पॉसिबल नहीं, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके थैंक यू।